एक समय की बात है, पांडव के द्वारा एक प्रजाप का होई करतो, वो प्रजाप के शेष कर शियाकार के पांडव का पेश करा करतो। प्रजाप ने कह रोटी खाने टाइम मिलतो, कोई पानी पीने टाइम मिलतो। भगवान कृष्ण मन में विचार को आप लोग भगत को बहुत ही तो की भगवान कृष्ण साधु को भेष बना के और प्रजापति का नाम है के प्रजापति बुजुर्ग के प्रजापति बतावर के अपनी राम सभा
सभी बोलो कृष्ण भगवान की तो भगवान कृष्ण साधु को भेष बनावे कि राज नारायण धारो पर साधु वालों भेष पगला खड़ाऊ चंदन हट हट राज नारायण राज प्रजाप का सुन ले हरे मन की बात क्या कह दुखा सो डूबलो ए प्रजाप तू तो डूबलो क्यों रे प्रजाप क्या लागे बोले हे महाराज मेरो दुख मिटनी हो भगवान कौन राज प्रजाप के सतावत ने बेताप के सतावत ने भूत पलित बोले महाराज मन कोई भूत सतावे ने कोई पलित सतावे ये महाराज ए शेष कृषि आकार के मैं पांडव के पेश करो महाराज मन को रोटी खाना टाइम मिले को पानी पीने टाइम मिले भगवान आसन के लागे रे प्रताप मैं दो तीन दिन को भूखो जे मन को दो रोटी बना दे तो मारने भी काया को भी भलो हो जाए प्रताप का लागे बोले महाराज रोटी पोने के लिए मैंने एक मिनट को टाइम कौन ए महाराज शेष कृष्या सारू मुझे एक ही कलश कम रह जावे तो पांडु मेरी खान काट दे भगवान कृष्ण कहने लगे रे प्रजापति पहली मैं कुम्हारों काम करया कर तो तेरे लकड़िया तो मैं उतार दे सूर तू मंदो रोटी बना दे हां मेरे सरों तेरो ही कामड़ो प्रजाप कहने लगे वो नहीं महाराज थे भगवे भेष का मेरे दरबार आ गया थारे रोटी जरूर ही बना के दे सूर लेकिन कड़शिया में मेरा आप ही उतार ले प्रजाप कह रोटी पोने के लिए झोपड़ी के मां बढ़ जा है ऐ के कृष्ण भगवान लेके बात जगेरनी चाक बार की भगवान कृष्ण कैसे इस कलशिया के सोने का उतार दिया प्रजाप देखे कलशिया के लागे बोले महाराज ओ महाराज सुख को निकलो मेरे तो थे दुख कर दिया ये महाराज आ गए के सोने का तार दिया मैं धनिया का पांडु उतर के ऐसा का सामान से तुम्हें खतो देश भगवान कृष्ण कह लागे प्रजाप तो मैं तने विधि बताऊंगा बाबी जी कर ले यार बाद में तेरे दुख मिट गई तो की भगवान कृष्ण बतावे प्रजाप तो सुनर की आपली राम सभा सुने भाई सुने Thank you.
बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो।